रालोसपा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर मंगलवार से अनशन पर बैठे हैं। दरअसल वो आमरण अनशन कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे दिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सभी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आ गए हैं। डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए पटना के मिलर ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार उपेंद्र कुशवाहा की एक सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की मांगों को खारिज कर दिया है। तो अनशन की कोई मियाद तो होती नहीं है, जब तक सरकार मांग नहीं मान लेगी तब तक अनशन चलेगा। यानी कल से तो उनके स्वास्थ्य में गिरावट है, ये चिंता का विषय है। अगर इतना मोहब्बत है उनको उपेंद्र कुशवाहा से, तो उनको पहले मांग मान लेते, उसके बाद खबर करा देते। एक बात समझ में आती, ये बेतुकी बात वो कर रहे हैं। अभी वो आमरण अनशन पर हैं और शिक्षा के सवाल पर जो राष्ट्रहित का मामला है और वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको इतनी तो हम लोगों के बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर बहुत उनको अपनापन और मोहब्बत उपेंद्र जी से हो गई है, तो पहले उनकी मांग को वो मान लें, उसके बाद आगे प्रस्ताव भेजे हैं तो देखा जाएगा। पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय विद्यालय की जमीन वाली मांग को नीतीश सरकार मान नहीं लेती है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की हालत बिगड़ती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर उनका अनशन कब तक चलता है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।